आपका मैंने एक दफा दरस सुना था, जो शायद आपने जब अपनी जिंदगी में आखिरी दफा जब तरावियां पढ़ाई थी मस्जिद में, तो उस वक्त आपने कहा था कि दीन को समझने के लिए हमें पीछे से पीछे जाना पड़ेगा, कि यहां तक कि हम अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर जाके फेंक दें, और साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाना पड़ेगा। उसकी आपने मिसाल भी दी, इस बात से मैं एग्री हूं। जब मैं इस रूट आपने एक मिसाल भी दी थी कि साइंस में आगे से आगे जाना चाहिए, तो मैंने अक्सर देखा है इस फील्ड में आके कि जितने भी उलमा कराम हैं, जब वो हर एक कहता है कि आप अबू हनीफा को फॉलो कर लें, इमाम मालिक को फॉलो कर लें, इमाम शाफी को फॉलो कर लें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम ये क्यों नहीं कहते कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को फॉलो कर लें, उस्मान को फॉलो कर लें, अली को फॉलो कर लें। क्योंकि मैं जिस लेवल पर मैं पढ़ता हूँ ना, मैं स्टूडेंट्स में, जब मैं स्टूडेंट्स को बात करता हूँ तो स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि हम इन लोगों को क्यों फॉलो करें, हमें चाहिए कि हम नबी को फॉलो करें, सहाबा को फॉलो करें, इन्हें को फॉलो करें, तो इसमें जरा कन्फ्यूजन है, तो उसमें जरा क्लैरिटी थोड़ी कर दीजिए। देखिए, हमें दीन अगर समझना है तो हमें पीछे के पीछे जाना पड़ेगा, यहां तक कि हुजूर तक पहुंच जाए। अलबत्ता हुजूर तक पहुंचने का मतलब क्या है? एक हुजूर ने हमें कुरान दिया, एक हुजूर की सुन्नत, इन दोनों को हमें इख्तियार करना पड़ेगा। अब यह है कि कुरान मजीद की किसी आयत से इस्तदलाल करने में इख्तलाफ हो सकता है, किसी हदीस से इस्तदलाल करने में इख्तलाफ हो सकता है, हदीसें बाज़ औक़ात कॉन्ट्राडिक्टरी भी आ जाती है, इनके माबैन तवाफुक पैदा करना यह एक बड़ी इल्मी जिद्दोजहद है। तो ये जो इन्फर करना है कुरान से और हदीस से, इसमें हमारे फुकहा ने अपनी जिंदगियां लगाई हैं, और इस एतबार से अगर उनको फॉलो किया जा रहा है तो इस बुनियाद पर कि ये कुरान और सुन्नत की ताबीर है। लेकिन असल में हुआ क्या है, जब हमारा दौर ज़वाल शुरू हुआ, इमाम अबू हनीफा ने तो ये कहा था कि अगर कोई सही हदीस तुम्हें मिल जाए मेरे किसी मौकफ के खिलाफ तो मेरी बात को उठा के दीवार पर दे मारना। लेकिन उसके बाद यह होता है कि फिरका परस्ती शुरू हो गई है। ये फिरका परस्ती जो है इसने सारी खराबी की है, वरना हम ये समझें, और मैंने इसके ऊपर जो है एक इंटरव्यू भी मैंने हाल ही में दिया है, और मैंने ये 20 अगस्त 1980 को तकरीर की थी उलमा कन्वेंशन के अंदर, जो जियाउल हक साहब के दौर में उलमा कन्वेंशन 2-3 हुए थे, उनमें से पहला कन्वेंशन जो था उसमें मैं भी शरीक था, उसमें मैंने तकरीर की थी कि इन फिकी इख्तलाफात का हल क्या है। तो मैंने कहा था कि जहां तक तो फैमिली लॉज है और पर्सनल लॉ, इसमें हर फिका को खुली आजादी होनी चाहिए, क्योंकि बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, अकायद का मामला है तो सेंसिटिव है। अब नमाज में फर्ज कीजिए या रोजे के अंदर, अगर आप तय कर दें फला वक्त पर रोजा खोलना जरूरी है, तो हो सकता है किसी फिका के नजदीक उस रोजा खोलना दुरुस्त ना हो। तो इन चीजों को तो छोड़ दिया जाए लोगों के फिकों पर, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड में किसी फिका को तस्लीम ना किया जाए, बल्कि सबको तस्लीम किया जाए। अब इसमें मेरे फर्क को समझ लीजिए, कोई फिका बाइंडिंग नहीं, लेकिन तमाम फिकों को हम अपना समझे कि यह हमारा एक असासा इल्मी है, एक कॉमन हेरिटाज है, हमारा तुरास इल्मी है। इमाम अबू हनीफा ने यह कहा, मालिक ने यह कहा, शाफी ने यह कहा, अम्बले ने यह कहा, इमाम जाफर सादिक ने यह कहा, इमाम जैद ने यह कहा, और हजम ने यह कहा, और फला ने यह कहा, इबादियों ने यह कहा, यह गोया कि हमारा एक कॉमन जो है यह हमारा असासा है। इस सबको सामने रखकर आप एक नई कानून साजी कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये, लेकिन यह होगा कैसे? जैसा कि आपने उलमा की बात की, उलमा तो उसके अंदर इतने सख्त हैं, इतने सख्त हैं कि एक फिका से बाहर कदम निकालना गोया कि आप उनके नजदीक कुफर है। हालांकि कहते ये हैं कि कम से कम चार फिकों को तो मैंने तो 8 गिनवाई है ना, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, जाफरी, जैदी, इबाजी और जाहिरी, ये 8 फिक हैं। ये 8ों में ये सबके सब जो है उन्होंने कुरान और सुन्नत से इस्तवादा किया है। इन सबको रखे बैकग्राउंड में, जैसे कि आपको मालूम है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में ये हवाले आया करते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फला ऐसा ही मुकदमा था उसमें यह फैसला दिया था, ये प्रेसिडेंट्स है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह किया था, या जो इंग्लिस्तान की सबसे ऊंची जो हाई कोर्ट है उसने ये फैसला दिया, ये प्रेसिडेंट्स के तौर पर बतौर दलील अपने अपने जो वो होते हैं फैसले उनको कोट किए जाते हैं, तो हम जो है फैसला इसके मुताबिक कर सकते हैं। मैं कह रहा था कि हमारे जो सुन्नी फुकहा है, वो जो उलमा है, चारों को कहते हक है, हनफी भी हक है, शाफी भी हक है, मालिक भी हक है, और हमली भी, लेकिन तुम्हें एक की पैरवी करनी होगी लाजमी। ये मेरे ख्याल में उनकी ज्यादती है, उनकी फिरका परस्ती है, और उसकी वजह असल में क्या है, उसमें गलती हमारी है असल में, जिसके नतीजा वो निकला है। हमने न दीन पढ़ना है न सीखना है, हमने एक मौलवी क्लास पैदा कर दी है, एक प्रोफेशन पैदा कर दिया है। हालांकि इस्लाम में कोई मौलवी प्रोफेशन नहीं है, इस्लाम में कोई पापाइत नहीं है, इस्लाम में कोई ब्राह्मणिज्म नहीं है। यह नहीं है कि जब तक ब्राह्मण नहीं आएगा शादी नहीं हो सकती, जब तक ब्राह्मण नहीं आएगा अर्थी जो अर्थी जो होती है उसको आग नहीं लगाई जाती, नहीं हो सकती। हमारे यहां कोई ब्राह्मणिज्म नहीं है, लेकिन चूंकि हम तो पढ़ते नहीं, हमने तो अपने आप को और तरफ लगाया हुआ है, थोड़ी सी दीनी बुनियादी मालूम हासिल हो, कुरान और हदीस का इन कुछ हो, तो हर शख्स नमाज पढ़ा सकता है, हर शख्स जो है अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए, हर शख्स जो है वो अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़े, तो वही गोया कि प्रोफेशनल खत्म हो जाएगा। तो चूंकि यहां फिरका परस्ती हुई, प्रोफेशनलिज्म आया,
اور پروفیشنل میں آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنل جیلسی از دی رول, اس میں تو جو ہے ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور ایک دوسرے کے خلاف, یہ تو لازم ہے. تو یہ اصل صورتحال بگڑی ہوئی ہے, اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کمر ہمت کسے, خود قرآن اور حدیث کو پڑھے, اللہ کا نام لے اور کمر کسے. یہی کام ہم نے کیا, میں نے یہ کیا, میرا پیشہ تو نہیں تھا, میں مولوی تو نہیں تھا, میرے پاس کسی مدرسے کی سند تو نہیں ہے, 40 سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ, درس قرآن میں 50 سال سے دے رہا ہوں الحمدللہ, میرے بیٹے جمعہ پڑھا رہے ہیں, وہ ایک ایم بی بی ایس ہے ان میں سے, ایک جو ہے ایم اے فلاسفی ہے, ایک جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کے کورسز انہوں نے مکمل کر رکھے ہیں اکنامکس کے اندر, پڑھا رہے ہیں جمعہ, انہوں نے کہا پڑھا رہے ہیں. تو یہ کام کرنا جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے پازیٹیولی, باقی جو کچھ ہے اس کا آپ کا مشاہدہ صحیح ہے, وہ غلط بات آپ نہیں کہہ رہے ہیں.